बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा 9th क्लास इस्लामियत इख्तियारी का बहुत इंपॉर्टेंट पेपर। बेटा शॉर्ट सवालात एमसीक्यूज वगैरह सारे शेयर करूंगा। सो ये जो पेपर है ये आपने सबसे पहले तैयार करना है, उसके बाद बाकी चीज़ें आप लोगों ने रेडी कर ली। तो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, आपने कोशिश करनी है कि इस पेपर को अभी याद कर लें इस वीडियो का फ़ौरन ख़त्म होने के बाद। तो बेटा आप लोगों का 20 मिनट का टाइम होगा और 15 नंबर के एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। और एडवांस्ड इस्लामिक स्टडीज़ है जी आपकी, इस्लामियत इलेक्टिव, ठीक है, जो पेपर होने जा रहे हैं इस्लामियत इख्तियारी का। सो तजारत का ताल्लुक होता है बादल से, मामला से, कसर से या अख्तियार से, ठीक है, मामला से। खुददारी नतीजा है, गिल्टिली इज द रिजल्ट ऑफ अल्लाह ताला पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, अंबिया पर ईमान, आखरत पर ईमान। हदीस के मुताबिक अफजल इबादत है नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। ज़कात, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, सॉरी। अलजबारू का मानी है, अलजबारू का बड़ा हमने मानी बताना है क्या होता है। मददगार, खुद मकदार, मकदार, अक्लमंद या ताकतवर। कुरान मजीद से इस्तफादा की शर्त है तकवा, बुजुर्गी, इल्म या फहम। नमाजों की तादाद मालूम करने का जरिया है इज्तिहाद, कुरान मजीद, इजमा या हदीस। इंसान के हैवान पर फजीलत का सबब है इल्म। गुनाहों की जड़ है नफरत, जुल्म, झूठी हकीकत। गार हिरा का मक्का से फासला था 2 मील, 3 मील, 4 मील या 5 मील। खंदक खोदने का ताल्लुक है गज़वा बदर से, गज़वा अहद से, गज़वा हिसाब से, गज़वा खैबर से। शबे अभी तालब में मुसलमान महसूर रहे 2 साल तक, 3 साल तक, 4 साल तक या 5 साल तक। खातमा नबीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अशब संद ना थे का नवान शफकत, ईमान अली साद। माहदा हल्फल फजूल की एक वजह थी गज़वा बदर, गज़वा अहद, गज़वा खंदक, गज़वा फजा। मोनस माउनी की एक मिसाल है कलम, ज़ैनब, अस्मा या अस्त। तलमीज़ से इसे मारफा है तलामजा, तलमीज़, तलामीज़, तलामजी। ये तो बेटा ये आपके एम सी क्यूज थे जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। चलिए मैम आपके साथ इसका जो लिखने वाला पेपर है, जो सवालात वाला पेपर है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स ले सकें। बेटा आपने कोशिश करनी है कि सबसे पहले आप लोग इस पेपर को रेडी करें, ठीक है। सो आगे बढ़ने से पहले तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है बेटा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी सब्सक्राइब कर दें और इस नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तमाम बच्चे जल्दी जल्दी ये काम करें बेटा। सब्सक्राइब करने के बाद आपने नीचे आना है तो नीचे आपको यहाँ पे हमारे चैनल्स दिख जाएंगे बाकी बेटा। तो इन चैनल्स को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इन चैनल्स पर ही आप लोगों के लिए वीडियोज़ वगैरह अपलोड हो जाएंगी। सो लाजमी तौर पर अपने चैनल्स को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना जितने बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। तो बेटा सब्सक्राइब कर दिया तो जो भी आप बेटा फिलहाल वीडियो देख रहे हैं ना तो उसके नीचे लाइक का बटन होगा कहीं पे, तो आपने कोशिश करनी है बेटा उस लाइक के बटन को दबा दें ताकि वीडियो जो है बाकी बच्चों तक जल्दी पहुंच जाए। यहाँ से बेटा वीडियो लाइक हो, जल्दी से आपने लाइक करना है ताकि वीडियो बाकी बच्चों तक पहुँच जाए और फिर मैं आप लोगों के साथ जो है वो पेपर शेयर करता हूँ। जल्दी जल्दी आपने ये दोनों काम जो कर दिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पेपर आपका सवालिया सब्जेक्टिव पेपर, ईमान और अमले सालिया का बाहमी ताल्लुक प्यार कीजिए। तो टोटल 60 नंबर का ये आपका पेपर होगा और पहला डब्बा है शॉर्ट सवाल का यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ईमान और अमले सालिया का बाहमी ताल्लुक बयान कीजिए, सवाल नंबर 1 है बेटा, इसका आंसर है बताना है आपने। टोटल 8 सवाल आएंगे, आप इसमें से कोई से 5 के जवाब दे रहे हैं। अकीदे तो ईद के इंसानी जिंदगी पर 4 असरात तहरीक करें। तलाक के कुरान मजीद के कोई से 2-4 अदाब तहरीर करें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों खातमा नबीयीन कहा गया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का खात्मा हो गया था इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमा नबीयीन कहा जाता है। क्या वो फलसफा जो अल्लाह ताला का नाफरमान और हकीम कहला सकता है, मदद जवाब दीजिए। इंसान हैवान से कैसे मुख्तलिफ है, वजाहत करें। इंसान हैवान से कैसे मुख्तलिफ है, वजाहत करें। रसालत के लगवी और इस्तलाही मानी लिखी। नमाज क्यों हर शख्स पर लाजम है। तो उसके बाद दूसरा डब्बा है सवालात का, ये भी उसी तरीके से 5 सवाल पूछे जाएंगे आपसे पेपर में, आपने इसमें से कोई से 5 करने हैं। 8 होंगे टोटल, सॉरी, आपने इसमें से कोई से 5 करने हैं। सो पहला है तरतीब और खुशल आफी और मई फंड बना रहे हैं। तदब्बर कुरान की वजाहत करें।
कैसे एक नबी एक मसला से बेहतर है। अरबों के कबाइली निज़ाम के दो सिरात लिखें, ईमान और इखलाक का बाहमी ताल्लुक बयान करें। अल्लाह ताला के चार सफाती नाम लिखें, जिसमें अल्लाह ताला के नाम लिखनी है, अर रहमान, अर रहीम, अल मालिक, अल मुबीन। हरीसुन अलैकुम की वजाहत करें, कलमुन से जमा मकसर तसनिया बनाए। तो भैया आप लोगों का शोर सवाल आपको मेरा दूसरा नंबर था, इसमें आपका पेपर है। उसके बाद है तीसरा डब्बा शोर सवाल आपका, यहाँ से लेके तो बेटा यहाँ तक एक बीमार और मुख्य रिश्तेदार के बारे में सुबह रहने का तकाजा क्या है। की वजाहत करें, अरबों ने सखावत को क्या मफहूम दिया है। किन बड़ाइयों की वजह से अहले अरब जहल दिन कहलाए। बुजुर्ग हमारे लिए कैसे मुफीद साबित हो सकते हैं। रसूलुल्लाह खातम नबीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से अज़्म व इस्तक़लाल की एक मिसाल दें। अहले अरब किन तरीकों से जानवरों पर जुल्म करते थे, सिर्फ दो लिखें। पहली हिजरत हबशा पर मुख्तसर नोट लिखें। इसी तरीके से बेटा आप चलते हैं लॉन्ग सवाल आज की तरफ। जो लॉन्ग सवाल आज का पेपर है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सो लॉन्ग सवाल आते हैं कि हिस्सा दो में आपका 10, 5, 5 नंबर के 3 आयत आएंगे, आपने इसमें से 2 का तर्जमा करना है और हर आयत के 5 नंबर हैं। तो पहली आयत है हुवल्ला जी ला इलाहा इल्ला हुवा अलीम गैब व शहादत व रहमान व रहीम। तीसरी दूसरी है वह इज़ा जलफा इब्राहिम कवायदा मिनल बई थी व इस्माइल रबन तबल्ला असमिन अलीम। वल्लाजी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक्की लियुज़हिरहु अला अद्दीन कुल्लिही व काफ़ा बिल्लाहि शहीदा। उसके बाद बेटा आएगा हमें दर्ज वाली किसी मुबारक में से किसी एक का तर्जमा तशरीह करेंगे। तर्जमा तशरीह वाला अलग पोर्शन होता है आपके बुक में, उसमें से आपने तर्जमा तशरीह कर देंगे। अव्वला मा हसबु बिहि अब्दुस सलात मिनल अकबलुल मोमिनीन इमानन अहसनहु खुल्कन खुल्कन। ठीक है, 5 नंबर की है, ये एक कर दिया आपने। उसके बाद है हरफ फजार की वजह तस्मियाँ लिखें, मेरे इसका हरफ फजूल से तालुक बयान करें। इस 3 सवाल हैं, आप इसमें से कोई सवाल 2 अटैम्प्ट कर लें। कुरान और हदीस की रोशनी में खत्म नबूवत पर एक नोट लिखें। हजरत इब्राहिम ने इस्लाम की दावती कोशिशों पर एक नोट लिखें। इसी एक जज़ू का जवाब तहरीर करें। इसी तरह बेटा ये 2 आएगा पेपर में लोगों से, आप 5-5 नंबर के, आपने किसी एक का जवाब दें। जमा मिक्सर की तारीफ करें और अभी में इसके 3 मसाले दें। मोरस की तारीफ करें और अभी में इसके 3 मसाले दें। तो बेटा ये आपका पेपर था इस्लामिक तैयारी का, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अल्लाह पाक आप तमाम बच्चों को ढेर कामयाबियाँ, अल्लाह करे कि तमाम बच्चे जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जिन बच्चों ने इस चैनल से उम्मीदें रखी हैं, बेटा हमारा यही मकसद होता है कि किसी तरीके से आप लोगों को पास करवा देते हैं ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स ले सकें। सो ये पेपर जो है आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अच्छे से तैयार करें। इंशाल्लाह अगर आप लोग इस पेपर को तैयार कर लेंगे तो आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं और इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर जो है वो आलमोस्ट इसी में से सारा कवर अप हो जाएगा। सो बेटा प्लीज़ आपने जो है वो जाते जाते इस वीडियो को यहाँ से लाइक लाजमी करना है, काइंडली तमाम बच्चे यहाँ से लाइक कर दें वीडियो को, और बेटा यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब लाजमी तौर पर करना है। ठीक है, अभी ये मेरे साथ साथ कर दें। ठीक है, चलें।
सब्सक्राइब करें यहाँ से और इस नोटिफिकेशन बेल को और भी सेट कर दें ताकि बाकी जितने भी पेपर वगैरह हैं या बाकी जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच जाए। सो बेटा मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई क्वेश्चन हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में टिल द एंड हाफिज़ पाकिस्तान।